वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग जागो लाहौर के साथ मैं हूँ सैयदा अर्मिला हसन। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मजे में होंगे। शो ट्यून करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आज सुबह सुबह मैं उठी तो मेरा गला कुछ खराब था, बल्कि इनफैक्ट बैठा हुआ गला था, लेकिन मैं आज पूरी कोशिश करूंगी कि मैं भरपूर आवाज और भरपूर एनर्जी के साथ शो करूँ, लेकिन अगर कहीं कोताही हो जाए तो पहले से माजत खाए दारा। अच्छा जनाब, इसके साथ साथ आज चूंकि हम आपके साथ ढेर सारी इन्फॉर्मेशन तो डेफिनेटली शेयर करने वाले हैं, लेकिन रिसर्च में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं आज, और मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी में रिसर्च पढ़ी तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। जनाब वैसे तो फुटबॉल ग्राउंड्स और फुटबॉल के शौकीन अफराद बहुत सारे लोग होते हैं और उनको पिचेस के हवाले से बहुत सारा आइडिया भी होता है, लेकिन जनाब अब प्लास्टिक से तैयार करदा फुटबॉल ग्राउंड की पिच का जो जनाब इफ्तिताह कर दिया गया है। रूस के शहर में बात की जाए तो इधर रिसाइकल किए गए प्लास्टिक के कप से तैयार करदा फुटबॉल ग्राउंड की पिच को तैयार कर दिया गया है, और इस मुंतरित पिच की तैयारी में तकरीबन 2.5 टन प्लास्टिक के कप इस्तेमाल किए गए हैं। और ये जो पिच है ये रवायती पिच से की बजाय जो सब्ज रंग की होती है, सब्ज रंग की बजाय जो है सफ़ेद और सुर्ख रंग की है, और इन कप्स को खास किस्म के अमल से गुजार के रिसाइकलिंग के प्रोसीजर से गुजार कर ग्राउंड में बिछाने के लायक बनाया गया है। और वैसे तो नॉर्मली फुटबॉल ग्राउंड की पिच की तैयारी में घास का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन रूस में जो नकारा चीज़ें हैं उनको रिसाइकल करने का मुनफरद अंदाज अपनाते हुए प्लास्टिक की पिच तैयार की गई है। और प्लास्टिक के कप जो हैं जिससे पिच तैयार हुई है, जो कि रवायती जिसमें मैंने आपको कहा जो ग्रीन कलर की पिच से हटकर है सफ़ेद और सुर्ख रंग की है, और बेसिकली ये पिछले साल जो फीफा कप हुआ था, वर्ल्ड कप हुआ था, उसके दौरान ग्राउंड से जो ये प्लास्टिक के कप से इकट्ठे हुए थे उनको रिसाइकल करते हुए जनाब ये पिच तैयार कर ली गई है और इसका इफ्तिताह भी हो गया। वैसे देखें ग्राउंड कितना डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि नॉर्मली हमें ग्रीन जो कह लें या घास का इस्तेमाल देखने में आता है, लेकिन प्लास्टिक के साथ उसको रिसाइकल करके ये पिच तैयार की गई है और अभी इसका इफ्तिताह भी हुआ है, और ये मुनफरिद एक चीज़ है जो हमने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर की जाए। अभी हम आपके साथ पिक्चर ऑफ द डे शेयर करते हैं और उसके बाद उस पर भी थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। जनाब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि गर्मियां चूंकि आ रही हैं तो ऐसे में एक कारीगर जो है रूम कूलर बनाने में मसरूफ है, और अपने तेवर गर्मी तो दिखा रही है, लेकिन इस गर्मी के बावजूद ये कारीगर इसको कोई फिक्र नहीं है, बल्कि इसको परवाह है तो सिर्फ अपने रिस्क की, अपनी रोटी की। और एक तरफ तो हम बिजली के रेट्स की बात करते हैं कि नर्ख जो है वो हुकूमत बढ़ाने में मसरूफ है, लेकिन दूसरी जानेब अगर हम गरीब आवाम की बात की जाए तो वो अपना खून पसीना एक करके अपने जो रोज़मर्रा अखराजात हैं इनको पूरे करने की कोशिश में मसरूफ़ है। इन्हीं मजदूर के हवाले से, इस कारीगर के हवाले से देख लिया जाए, शायद इसके अपने घर में ही रूम कूलर जो है मौजूद ना हो, लेकिन उसको बना कर अपने लिए दो वक्त की रोटी का इंतज़ाम कर रहा है। हम ओवरऑल हर चीज़ जो कहते हैं कि हम रिलीफ देंगे, जिस मैंडेट के साथ हम हुकूमत में भी आते हैं, बड़े बड़े दावे भी करते हैं, एट द एंड जब आप पब्लिक को रिलीफ नहीं दे सकते तो मेरे ख्याल से तभी सारी चीज़ें वहीं पे बातें जो हैं वो दम तोड़ जाती हैं। तो यही वजह है कुछ आजकल हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि किस तरह से बिजली के नग बढ़े हैं, या जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, एक सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रहा है वो एक गरीब आदमी कर रहा है। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि हुकूमत इस तरफ भी कोई स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस तौर पर भी अदा करे। चलिए आप ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, मजीद भी डिस्कशन करेंगे। आप देखते रहिए जागो लाहौर। वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब, और अब हम डिस्कशन करने वाले हैं थोड़ी सी स्पोर्ट्स के हवाले से, और स्पोर्ट्स कौन सी होगी, रेसलिंग या कबड्डी, और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है इनाम बट है हमारे साथ, जो कि पाकिस्तान नंबर वन रेसलर हैं, रुस्तम में पाकिस्तान हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं कॉमनवेल्थ गेम 2018 में, वर्ल्ड चैम्पियन है बीच रेसलिंग में, एशियन चैम्पियन है एशियन कबड्डी, प्रेजिडेंट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड भी इनको मिला है 2019 में, और प्लेयर ऑफ द ईयर भी रह चुके हैं 2018 में। इनाम बट वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और इसके साथ साथ जनाब स्पोर्ट्स के हवाले से हम बात करेंगे कि किस तरह से ये जो स्पोर्ट्स में
इंजरीज होती हैं, इनको रिकवर किस तरह से किया जाता है और किस तरह से ये सारा प्रोसीजर होता है, उस पर हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर असद अब्बास शाह ने जो कि स्पोर्ट्स फिजिशियन है, उनको हम वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले तो इनाम मैं आपकी जानिब आऊंगी, रेसलिंग कबड्डी पाकिस्तान में किस तरह से आप देखते हैं इसको? पाकिस्तान की जो सकाफत है वो रेसलिंग और कबड्डी से ही इसका आगाज़ होता है और ये हमारी मिट्टी के खेल हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर इस पर थोड़ा सा फोकस किया जाए और जिस तरह अभी हमारे माशाल्लाह खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे और जिस तरह हम पाकिस्तान के लिए मेडल जीत रहे हैं, तो ये बड़ी खुशी होती है कि जी जब आप पाकिस्तान के लिए जाते हैं खेलते हैं तो अगर इसको प्रमोट और करें तो और ज़्यादा बेहतर है। तो नाम आपके इस जो स्पोर्ट्स में इस करियर का आगाज़ बेसिकली हुआ किस तरह से? बेसिकली जो हमारी फैमिली बैकग्राउंड है वो रेसलिंग से है। मेरे दादाजी भी रेसलिंग करते थे, मेरे वालिद साहब, चाचा जी सारे, तो बचपन से ही एक हमारा वो रेसलिंग वाला जी बिल्कुल। और बचपन में भी इस तरह होता था कि नॉर्मली वो जब बच्चे इकट्ठे होते थे तो वो हम बाकी चीज़ों से नहीं खेलते थे, हमारी कुश्तियाँ करवाई जाती थी। तो बचपन से ही हमने रेसलिंग का आगाज़ किया और जब आपने बड़े लेवल पे खेलना होता है, पाकिस्तान के लिए जाना होता है, तो फिर आपने बिल्कुल स्टार्ट से आगाज़ करना पड़ता है। अच्छा नाम, आपने इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन आपकी रही है, वहाँ का एक्सपीरियंस पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका? देखें, एज अ पाकिस्तानी हर बंदे का, हर प्लेयर का ख्वाब होता है कि आप पाकिस्तान को लेकर चलें, और जब आपने किसी भी दूसरे मुल्क में जाना है तो वहाँ पर आपने अपने पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब आप वहाँ पर खेलते हैं, जब आप वहाँ पर परफॉर्म करते हैं और एट द एंड जब पाकिस्तान का परचम बुलंद होता है और सारी दुनिया के लोग वहाँ पर तिराने के एजाज़ में खड़े होते हैं, तो ये वो चीज़ है कि जिसके लिए मैं समझता हूँ ये ईद ईद से भी ज़्यादा खुशी इस चीज़ की होती है कि हम पाकिस्तान को इतने अच्छे तरीके से सर्व कर रहे हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इनाम से हम और भी बात करेंगे, डॉक्टर साहब आपकी जानिब आएंगे। अगर खिलाड़ी तंदुरुस्त होगा तभी तो पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा, और जब खेल में इंजरीज होती हैं उनकी रिकवरीज किस हद तक जो कहने मुश्किल भी होती हैं, आप लोगों के लिए चैलेंजिंग होता है कि एक प्लेयर का रिकवर होना? जो खेल के दौरान इंजरीज होती हैं जी, वो तो बेसिकली आप समझ लें कि ये एक खिलाड़ी का जेवर है और इट इज़ मैंडेटरी इन एवरी स्पोर्ट जी, आप बगैर इंजरी के नहीं खेल सकते। बहुत सारे ऐसे इंजरीज होती हैं जिनको आप वहीं मैनेज कर सकते हैं ग्राउंड में। आपने देखा होगा कि एक फिजियो भाग के या डॉक्टर भाग के आता है ग्राउंड में और वो आके एक स्प्रे करता है, तो बेसिकली वहाँ पे जो एक्यूट इंजरीज हैं और ब्लंट ट्रॉमास हैं उसमें हम उसको एक फार्मूले के तहत ट्रीट करते हैं, उसमें हम क्रायोथेरेपी करते हैं उसमें, यानी आइसिंग करते हैं उस पर या आइस स्प्रे कर देते हैं, वो जगह सुन हो जाती है, फिर उसको कंप्रेस कर देते हैं। और अगर प्लेयर ऑफ द फील्ड हो या साइडलाइन पे हम ले जाएं तो उसको फिर हम पूरा एक राइस का फार्मूला यानी रेस्ट देते हैं, आइसिंग करते हैं, कंप्रेस करते हैं और एलिवेट कर देते हैं दैट स्पेसिफिक एरिया जो इंजर्ड है। सही। उससे ये है कि फौरी तौर पे स्वेलिंग नहीं आती या इन्फ्लेमेशन नहीं होती। दूसरी जो बड़ी इंजरीज होती हैं मेगा इंजरीज, उनको एट द टाइम ऑफ इंजरी आपको डायग्नोज करना ये स्पोर्ट्स फिजिशियन का काम है। मोस्टली हमारे यहाँ जो स्पोर्ट्समैन हैं वो स्पॉयल ही इस वजह से हुए हैं कि उनकी डायग्नोसिस में बहुत तखीर हो जाती थी और तखीर की वजह से वो इंजरी बढ़ जाती है और क्रॉनिक हो जाती है। तो हमारे यहाँ चूँकि फेडरेशन के पास इतने वसाइल नहीं हैं, हमारे पास जो उनकी सपोर्ट के लिए दूसरे सेक्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते जिससे दूसरे मुल्कों में, यहाँ हमारी स्टेट इतनी ज़्यादा फाइनेंशियली वेल मतलब ऑफ नहीं है। दूसरा ये है कि प्रायोरिटी नहीं है हमारी, स्पोर्ट्स हमारी प्रायोरिटी नहीं है। आपके मुल्क में देख लीजिए क्रिकेट के अलावा, क्रिकेट भी स्पॉन्टेनियस है, वो गवर्नमेंट की उस पर नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है। एग्जैक्टली अलग से इदारा क्रिकेट, अगर वो कहते थे जी मेरे दोस्त हैं क्रिकेट में भी, मैंने जब ये श्रीलंका टीम पे हमला हुआ तो हम बड़े परेशान थे जी कि अब क्रिकेट खत्म हो जाएगी, तो मैंने आज राय मैंने बात की कि यार अनफॉर्चुनेटली अब तो क्रिकेट खत्म हो गई, अब तो आपके सिलसिले बंद हो जाएंगे। उसने कहा जी कि चांद में भी क्रिकेट होगी, हमें पैसे मिलते रहेंगे। स्पॉन्सर बहुत है क्रिकेट का, क्रिकेट खेलने वाले और देखने वाले बहुत हैं। 95% क्रिकेट है और बाकी जितनी भी 35 डिसिप्लिन स्पोर्ट्स हैं वो 5% पे आती हैं।
तो वो चूंकि गवर्नमेंट डिपेंडेंट नहीं है, बाकी जितनी भी स्पोर्ट्स हैं आप देख लें, हॉकी में मैंने बहुत देर सर्च किया, नेशनल जो खेल है, प्ले हमारा खेल है, कौमी खेल है, कौमी खेल है। आप किसी भी महकमे के साथ कौमी लगा दें, उसकी परफॉर्मेंस खुद ब खुद गिर जाएगी। ये हॉकी के साथ भी हुआ जी। तो हॉकी में हमारे पास टैलेंट था जी, बेशुमार टैलेंट था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप तो इनके साथ भी एसोसिएटेड रहे काफी अच्छा हॉकी जी, बहुत देर जी। 2001 यानी मैं जिन जूनियर प्लेयर्स को लेके चला था 2001 में, वो कोच आजकल कोचिंग कर रहे हैं, मेरे साथ ही थे जब वो कोचिंग कर रहे थे। बहुत सारी मैंने अप्स एंड डाउन्स देखी हैं हमारे यहाँ, चूंकि एक तो फैसिलिटीज नहीं है, ऑस्ट्रोटर्फ नहीं है, दूसरा ये गरीबों का खेल था, जो सब कॉन्टिनेंट की डोमिनेंस रही है इंडिया और पाकिस्तान की, इट इज़ ऑल ड्यू टू द फैक्ट कि ये गरीबों का खेल था और हर बंदा खेल लेता था, मतलब नंगे पाँव भी खेलते थे। अब यू नीड ऑलमोस्ट $120 फॉर योर फुटवेयर, आपका जो एक मैच में या दो तीन एक सीरीज में समय ले, आपको जो शू चाहिए वो 15,000 का है पाकिस्तान, फिर स्टिक आपकी 10,000 की, 2,000 की बॉल, मतलब एक ओवरऑल एक्सपेंसिव, वो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से बाहर कर दी गोरे ने, ठीक है, ताकि इन दो मुल्कों की डोमिनेंस, वो सारा साल बेचारे मेहनत करते थे। अच्छा ये सवाल सर मैं इनाम से भी जानू, इनाम अभी जिस तरह हम क्रिकेट की बात करें, दीगर स्पोर्ट्स की बात करें, हमने कहा क्रिकेट पर ज्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि वो गवर्नमेंट डिपेंडेंट एक कहले ऑर्गेनाइजेशन या फेडरेशन नहीं है, आप लोगों को किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं फंडिंग के हवाले से, फेडरेशंस बनी हुई हैं कितनी स्ट्रांग है वो, और आपको कबड्डी और रेसलिंग में कितना लगता है कि मजीद काम करने की ज़रूरत है? देखें हम हमेशा जब भी किसी चीज़ में कंपैरिजन करना होता है तो हम फटाफट इंडिया के साथ कंपैरिजन करते हैं जी, कि उनसे नहीं हारना, उनको हमने हराना है, इस तरह हम सोचते हैं। तो आपको इस तरह पता चलेगा कि इंडिया का जो भी एक साल का रेसलिंग का बजट है वो 30 करोड़ इंडियन है, ऑलमोस्ट 50 करोड़ पाकिस्तानी, और पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन का जो बजट है वो 18 लाख रुपया। तो आप ये देख लें कि 50 करोड़ एक तरफ है और एक तरफ 18 लाख है, इतना बड़ा हमारा गैप है, इतना हमारा बजट कम है, और इस 18 लाख के साथ ही फेडरेशन ने पूरे एक साल में कंपटीशन करवाने हैं, इन्होंने नया टैलेंट तलाश करना है, इन्होंने खिलाड़ियों की ट्रेनिंग करवानी है। तो इसके अलावा जब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है वो हमें एक दो पहले तो कैंप देता था जब हालात अच्छे थे, पिछली गवर्नमेंट थी, हम तो यही कहेंगे क्योंकि नई गवर्नमेंट जब से आई है तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारे कैंप लगते थे पाकिस्तान में वो हमारे कैंप भी बंद कर दिए गए हैं, और 8 माह हो गए हैं कोई किसी गेम का कैंप नहीं लग सका। तो आप ये देखेंगे फिर जब आपका कैंप नहीं लगेगा, आपके खिलाड़ी अपने घरों में है, अपने इलाकों में है, तो वो किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं? अगर परफॉर्मेंस आपने लेनी है तो खिलाड़ियों को फैसिलिटेट करना चाहिए। तो इसी वजह से शायद रिप्रेजेंटेशन भी कम है आप लोगों के खेलों में। आप ये देखें कि जिस तरह क्रिकेट की बार बार सीरीज होती है, पाकिस्तान एक जगह से आई दूसरी जगह तीसरी जगह, इसी तरह हमारी जो रेसलिंग है इसके भी 100 के करीब एक साल में कंपटीशन होते हैं, और हमें भी चाहिए कि हम 10 से 12 13 मुकाबलों में पार्टिसिपेट करें, लेकिन मसला फिर वही फंडिंग का आ जाता है कि फेडरेशन के पास पैसे नहीं होते, और जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है वो एक या दो मुकाबलों से ज़्यादा आपको स्पॉन्सर नहीं करता, तो फिर इसी वजह से हमें साल में एक या दो मुकाबले मिलते हैं। अगर हम वही 15-20 मुकाबले हम भी खेलें तो ये जो मेडल है ये तो 100 की तादाद में हो। अच्छा इनाम अभी आप भी जब गए तो आपको फेडरेशन की जानिब से भेजा गया या आप अपने उन पे गए थे? हमें अभी मैं जब वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल के आया हूँ तो मुझे पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने, हमारे सेक्रेटरी हैं चौधरी अरशद स्टार साहब, उन्होंने मुझे भेजा था वहाँ पर, और मैं आपको बताऊँ कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया कि अगर आप उनको नहीं मिल रहे पैसे स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से तो फिर भी वो अपनी जेब से अपने तौर पर वो भेज रहे हैं। अच्छा। कि यार चले कम अज़ कम पाकिस्तान के लिए मेडल तो आए ना। हाँ। तो ये मैं समझता हूँ कि, और एक बड़ी आपको मैं चीज़ बताऊं कि पिछले 5 साल में 65 के करीब हमारी पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं, 65 मेडल एक तरफ, और जितनी बाकी स्पोर्ट्स हैं 5 साल में उनके इतने मेडल नहीं बनते। अच्छा अच्छा इनाम इसी तरह से भी जैसे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ बजटिंग फंड ये सारे मसाइल रहते हैं, जब आप भी खेलने जाते हैं, अब हमारे पास चाहे विमेन टीम की कोई आए या हमारे पास मेल आए, वो ये कंप्लेन करते हैं कि जब हम बाहर जाते हैं हमें पीछे से इतनी बैक सपोर्ट नहीं होती, वहाँ पर वही बात कि फ़ौरन से हमें ऐलान कर दिया जाता है जी आपका फलाने से आपने जीतना है, फलाने से आपका कंपटीशन है, उनके और हमारे बजट्स में या फैसिलिटेशन में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको भी इसी तरह की प्रॉब्लम रही है?
देखिए ये तो एक नॉर्मल बात है कि जब आप ट्रेनिंग करके यहाँ से जा रहे हैं, आपका बजट भी थोड़ा है, आपकी फैसिलिटीज़ भी थोड़ी हैं, और आपके मुकाबले में जो आ रहे हैं खिलाड़ी पूरी दुनिया से, वो इंटरनेशनल ट्रेनिंग करके आते हैं, बाहर के मुल्कों में बाहर के खिलाड़ियों से अच्छे एक्सपीरियंस उनको कोचेज मिलते हैं, तो उनका वैसे ही जो है ना वो एक लेवल वैसे ही हमसे ज़्यादा होता है। लेकिन ये है कि जब आप चले जाते हैं खेलने के लिए, तो फिर आपने खेलना है, फिर डू और डाई है, तो आप फिर ये देखते हैं कि मैंने पाकिस्तान का फ्लैग कैरी करना है और फिर मैंने बस करना है, आप जो भी आप ये नहीं कंप्लेन नहीं कर सकते, फिर आप नहीं कर सकते, फिर आपके पास मार्जिन नहीं, तो फिर आपने खेलना है और अल्हम्दुलिल्लाह जितना हम कर सकते हैं, जितनी एफर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग बेहतरीन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अच्छा सर, अभी हम स्पोर्ट्स इंजरीज की बात कर रहे थे, डोपिंग भी कुछ एक मामला, एक टर्म हम अभी कर रहे थे डिस्कस, के खिलाड़ियों में ये वाला जो फैक्टर है ये भी बहुत ज्यादा आ रहा है, इसकी क्या वजह है? देखिए, डोपिंग कहते हैं कि आप कोई ऐसी मेडिसिन या कोई ऐसा सब्सटेंस जो आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस कर दे, बिल्कुल वो डोपिंग में आता है। अब ये जब से स्पोर्ट्स चल रही है कई हजार साल पहले से, तब से डोपिंग हो रही है। यानी हर ये इंसानी फितरत है कि वो जीतना चाहता है, कोई हारना नहीं चाहता, बिल्कुल ऐसे वो कोशिश ये होती है कि कोई ना कोई ऐसी चीज लें जिससे आपकी एनर्जी बूस्ट अप हो जाए, लेकिन ये फेयर प्ले में नहीं आता। अब बहुत सारी मेडिसिन हम बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं हमारे यहाँ वो इस्तेमाल करते हैं अपनी एनर्जी को और अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, सबसे ज़्यादा बॉडी बिल्डर्स इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल ऐसे। और उसकी वजह ये, उसी वजह से कुछ 2 साल पहले तकरीबन, बिल्कुल, हमने कुछ तकरीबन 7 के करीब बॉडी बिल्डर्स लूज किए, और वो उनकी सडन डेथ हुई, सडन कार्डियक अरेस्ट होता है। और ये स्पोर्ट्समैन को जो कॉमन कंप्लेंट होती है समटाइम्स ओवर यूज की वजह से भी, वो सडन कार्डियक अरेस्ट होता, यानी कोई लंबी बीमारी नहीं होती फौरी तौर पे। फिर इसके अलावा बहुत सारी नशा आवर अद्वियात इस्तेमाल होती हैं, मसलन क्रिकेट के बॉलर्स जो हैं वो पहले चर्स का इस्तेमाल करते थे, वो आपकी फटीक को कम कर देती, लेकिन उसके अपने नुकसान आते हैं। इसी तरह बेशुमार और एक लंबी लिस्ट है, इवन जो आपके ब्लड प्रेशर की दवाएं जो दिल की रफ्तार को कंट्रोल करती हैं वो भी डोपिंग में आती हैं। फिर आप कोई अगर सेडेटिव्स लेते हैं या नारकोटिक्स लेते हैं, मतलब कुछ ऐसी पेन किलर्स हैं जो आप रूटीन में बहुत ज़्यादा पेन होती है तो हम रिकमेंड करते हैं प्लेयर्स पेशेंट्स को, लेकिन प्लेयर्स को नहीं करते। यानी जो हमारी डॉक्टर्स की किट होती है ड्यूरिंग द टूर्नामेंट या इवेंट या उससे पहले कैंप में, उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो डोपिंग में आए। अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और वाडा ने असूल रखा है कि प्लेयर को आप सुई नहीं लगा सकते, नो नीडल पॉलिसी ड्यूरिंग द इवेंट्स। तो किसी भी बड़े इवेंट में, मसलन एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ है, ओलंपिक्स है, उसमें किसी प्लेयर को इंजेक्शन नहीं लग सकता, वो सिर्फ डोपिंग को अवॉइड करने के लिए। यानी स्टीरॉयड का एक इंजेक्शन डेकाडेराब्लिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है यहाँ पे, वो एक इंजेक्शन 1 साल पॉजिटिव रहता है, यानी उसके नुकसानात भी 1 साल ही रहते हैं। वो हर मसल को बड़ा करता है, दिल भी चूंकि एक मसल है, उसको भी बड़ा कर देगा, तो उससे कार्डिक फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब होता है। अब यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में बेशुमार ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो बेसिक आपकी नर्सरी जो है, जो राइट नर्सरी है जिसने इमीडिएटली प्रोफेशनल लाइफ में आना है स्पोर्ट्स की, वो यूनिवर्सिटी से आती है, कॉलेज से आती है, अगर वो नशेई होंगे तो हमारे पास तो वैसे ही प्रॉब्लम। अच्छा, अभी जिस तरह इनाम की हम बात करें, ये एक बड़ा इंटेंस किस्म का खेल है कबड्डी या रेसलिंग जिसकी हम बात करें, इसमें इंजरी और इसमें रिकवरी के चांसेस और किस तरह से आप लोग ट्रीट करते हैं, क्योंकि जब फाइट कर रहे हैं तो फिर आपको नहीं पता कहाँ पे आपको इंजरी हो सकती है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सा है। देखिए, रेसलिंग में तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की इंजरीज नहीं होती। अच्छा। इनकी फ्रीक्वेंसी ज़रा कम होती है। सही। दूसरे लफ्जों में ये कहें कि या इंजरी बहुत हल्की सी होती, या मिड में कुछ नहीं है, या हल्का फुल्का है, या तो बहुत सीवियर होगा। हाँ, ठीक है। क्योंकि जॉइंट की इंजरी होती है, मेनली नी की इंजरी होती है। जितने रेसलर्स हैं इनकी कोशिश होती है कि ओपोनेंट की टांग को पकड़ के घुमाने की कोशिश करते हैं ताकि वो डिसबैलेंस हो, उसका ग्रिप जो है वो सरफेस पे कम हो, और उसको वो गिराने की कोशिश में उसका घुटना खराब हो जाता है, वो कोशिश कर रहा होता है अपोजिट साइड पे उसको मूव करने के। इसी तरह शोल्डर डिसलोकेशन हो जाती है, तो शोल्डर बार बार अगर डिसलोकेट करे तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो वीक हो जाता है और उसकी रिपेयर होती है सर्जिकली।
तो इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि इन मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करो, वो जो डंड शंड ये निकालते थे ना, 3-4 हज़ार डंड, अब हम इनको इतने डंड नहीं निकालने देते। अच्छा है ना, ऐसा आपके साथ कभी हुआ कोई ऐसी इंजरी खुदा ना खास्ता जिससे आपको लगा अगला टूर्नामेंट है और इतनी मेजर या स्वेयर इंजरी हो गई है? जी बिल्कुल, हमारी वो पहलवानी में कहते हैं एक पगड़ और सौ रगड़। तो ये नॉर्मली जो है ना, अगर हम नॉर्मली भी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो मसला हो जाता है, लेकिन मोस्टली जो है ना इंजरीज हो जाती हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले मुझे एक दफ़ा नी ट्विस्ट हो गया था मेरा। अच्छा। तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुई, टूर्नामेंट ठीक नहीं रहा मेरा। लेकिन यह है कि फिर आपने करना तो है ना। हाँ। आप इसको छोड़ नहीं सकते, ये तो फिर गेम का एक हिस्सा है। हाँ। और आपने इसको साथ लेके चलना है। और अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब अब हमारे सामने भी बैठे हुए हैं, तो इनकी जो एक जिस तरह हमें ये गाइड करते हैं, तो बहुत सी चीज़ें हमें इस तरह ये बताते हैं कि आपने जैसे पहले स्ट्रेच करना है, आपने पूरा वार्म अप पूरा होना है, तो बहुत सारी इनकी जो बताई हुई चीज़ें हैं उनसे हमें बहुत सहूलत मिलती है। जी बिल्कुल, और हमारी इंजरीज के चांसेस भी कम होते हैं। अच्छा ना, थोड़ा सा मैं लाइटर मोड पे आऊँगी, क्योंकि जब आप पहलवानी कर रहे हो तो आपका खाना पीना भी अच्छा खासा माशाल्लाह तगड़ा होता है। हम थोड़ा सा डाइट प्लान आपका जानना चाहेंगे, क्या आपके डाइट रूटीन है, डाइटरी हैबिट्स हैं जिनको आप लेके चलते हैं? असल में एक जो पहले बात चलती थी जी कि पलवान जो है ना वो पूरा बकरा खा जाते हैं। हाँ, और बहुत ज्यादा। That's why I'm asking this question. मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मुझे थोड़ा था curiosity इस बारे में। असल में ये जब आज से 20 साल 25 साल पीछे चले जाएं तो उस टाइम पलवानी का स्टाइल ये था कि उसमें वेट कैटेगरीज नहीं होती थी। आपका जितना बड़ा आपका वेट ज्यादा होता था, जितना आपका जो है वो स्ट्रक्चर बड़ा होता था, वो ज्यादा ताकतवर तसव्वुर किया जाता था। लेकिन अब जब से ये मैट रेसलिंग में अवेयरनेस आनी शुरू हुई है तो अब वेट कैटेगरीज बन गई हैं। अच्छा। लाइक 57 वाले खिलाड़ी ने 57 के साथ खेलना है, 100 वाले ने 100 के साथ खेलना है, 85 वाले ने 85 के साथ खेलना है। तो इसलिए वो जो बकरे खाना और ये तो सारी चीजें बिल्कुल चेंज हो गई हैं। और इवन मैं अब आपको बताऊं कि अब हमें कंपटीशन से पहले अपना वेट रिड्यूस करना पड़ता है। हाँ जी, क्योंकि हमारा नॉर्मली 3-4 kg वजन ज्यादा होता है, तो फिर कंपटीशन से पहले हमने जो हमारी फैट है उसको कम करना होता है, और इसलिए फिर हमारी डाइट ज्यादा होने की बजाय मजीद कम हो जाती है। तो नॉर्मली जो अभी आर्टिफिशियल या जिस तरह आप समझ लें कि हम ले रहे हैं फ्रेश जूस हम लेते हैं, अंडे वगैरह हम आजकल ले रहे हैं, अंडे ब्रेड फ्रेश जूस, इसके अलावा एक जो जिस तरह पाकिस्तान में गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो हम सरदाई तैयार करते हैं। मैं उसी के हवाले से पूछने वाली थी, सरदाई का इस्तेमाल कैसा होता है? और सरदाई क्योंकि जिस तरह गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो फिर हमारे जो रेसलर हैं, ये हमारा ये कदीमी तरीका कार एक चलता आ रहा है, तो इसमें बादाम डलते हैं, चारों मगज होते हैं, खसखास जीरा और इस तरह मुख्तलिफ जो है ना वो चीजें डाल के हम उसको वो बनाते हैं। फिर उसमें पानी का इस्तेमाल होता है, दूध का इस्तेमाल होता है, तो फिर वो एक मुरक्कब जो है ना वो हम लिक्विड तैयार हो जाता है। और फिर जब हमने कुछ 2 घंटे ट्रेनिंग की होती है तो फिर हम वो पीते हैं, तो उससे एक तो हमारी एनर्जी भी बहाल हो जाती है और बड़ा रिफ्रेशिंग जो है ना वो हमें फील होता है। अच्छा जबरदस्त। अभी ये जो डाइटरी हैबिट्स होती है इनकी, ये भी तो आप लोगों को फोकस में रखनी होती है कि इनकी स्ट्रेंथिंग भी हो। मैं चूंकि काफी टाइम हॉकी के साथ रहा हूँ जी, उसके बाद जब मैं स्विचर ओवर हुआ जनरल आरिफ हसन साहब जो हमारे प्रेसिडेंट है पाकिस्तान ओलंपिक्स के, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और खालिद महमूद साहब माशाल्लाह दोनों बहुत हद तक काम कर रहे हैं स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए, इन्होंने मुझे कहा कि मैं पहली दफ़ा बीच गेम्स पे गया इनके साथ, कबड्डी के प्लेयर खाना खा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा जी क्या खा रहे हो, पूरा पहाड़ एक चावलों का भरा हुआ था जी। हाँ। उसके ऊपर सालन था, 2-3 उन्होंने साथ छोटे बाउल जो है वो करी के रखे हुए थे। अच्छा। तो मैंने कहा जी आपका इवेंट कब है, उन्होंने कहा जी आज ही है पान कोई 4:30 बजे, वो 2 बजे हुए थे। मैंने कहा इतना ज्यादा कहता पान आज मैच बड़ा हैवी है, इंडिया के नाल मैच है। मैंने कहा यार मेरा मतलब फिर मैंने हैवी मैच तो हैवी खाना होना चाहिए। वो कर्नल नबील साहब हैं और सरवर साहब हैं ये पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन के, तो इनको मैंने फिर बुलाया, रिक्वेस्ट की कि अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपको एक डाइट प्लान देता हूँ। क्योंकि प्लेयर का जो सुबह का नाश्ता है वो आम बंदे के लिए भी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो सबसे बड़ा मील जो है वो आपका नाश्ता है, ब्रेकफास्ट का मतलब है आप रोजा तोड़ रहे होते हैं, रोजा खोल रहे होते हैं रात का जितना भी। तो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ और प्लेयर्स भी ख्याल नहीं रखते ब्रेकफास्ट में, उसमें बहुत ज्यादा पराठे वगैरह खा लेते हैं। प्लेयर के लिए सबसे अच्छी डाइट कार्बोहाइड्रेट,
दैट इज द मेन फ्यूल। और जो जो इंटेंस ट्रेनिंग जो करते हैं या जिनकी एक्सप्लोजिव किस्म की एनर्जी जिनको चाहिए, उनको इन एडिशन फैट्स की जो थोड़ी सी परसेंटेज ज्यादा देनी पड़ती है और प्रोटीन भी उस हिसाब से। जनरली जो प्लेयर है वो 70% हम उसको रिकमेंड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स ले। अब कार्बोहाइड्रेट्स किस चीजों में है, वो है रोटी, चावल, आटा, मैदा, सूजी, जूसेस, मीठा जितना भी है वो, आपके बहुत सारी और चीजें जिनमें इनमें आपको कुदरती तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं। यानी ये आपकी जिसे कहते हैं ना गाड़ी में आप एविएशन ऑयल जब डलवाते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस कुछ और होती है। उसके बाद जो एनर्जी सोर्स है दैट इज फैट। ठीक है, तो फैट्स जो है वो बच्चों को खास तौर पे देने चाहिए। सही हो गया। हमारे यहाँ ऑयल का इस्तेमाल शुरू हो गया, फैशन डेवलप हो गया कि हम वेजिटेबल ऑयल या कैनोला ऑयल यूज करते हैं, बच्चों के लिए वो अच्छा नहीं है, बच्चों ने ग्रो करना है, इसीलिए हमारे बच्चों की ग्रोथ स्टंटेड है, उनको विटामिन ए और डी की जरूरत है। ठीक हो गया। तो बजाय इसके कि ये तेल यूज करें आप उनको वो दें। ठीक हो गया सर। मेरे पास चूंकि वक्त कम है, मैं चाहूंगी इनाम मैं आइंदा आने वाले आपके टूर्नामेंट्स या जो भी आपकी फर्दर गेम्स प्लान है उनके हवाले से जानूं और एक छोटा सा मैसेज आप हमारे देखने वालों को देना। अभी जो हमारा नेक्स्ट इवेंट आ रहा है वो वर्ल्ड सीरीज आ रही है हमारी बीच रेसलिंग की, और ये ब्राज़ील में हो रही है, और इंशाल्लाह यहाँ पर अगर हम मेडल जीतते हैं तो ये क्वालिफाई राउंड है, वर्ल्ड गेम्स हो रही है यूएसए में। अच्छा। तो अभी तक किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी ने उसके लिए क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है क्योंकि मैंने अभी वर्ल्ड चैंपियन में गोल्ड मेडल जीता था, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि यहाँ पर पाकिस्तान के लिए खेलें और पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड में भी फिर मेडल लें। और हमारे देखने वालों को क्या मैसेज देंगे? मैं देखने वालों के लिए यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी बंदा है वो कम से कम स्पोर्ट की तरफ, हल्की फुल्की स्पोर्ट, अपनी जॉगिंग वगैरह वो जरूर करे, ताकि अगर आप हेल्दी होंगे तो फिर आप कोई भी काम कर रहे हैं वो आप अच्छे से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इनाम, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक, बहुत शुक्रिया आपके आने का। और सर आपकी जानिब से एक छोटा सा मैसेज हमारे देखने वाले। छोटा सा मैसेज सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपके खेल के मैदान आबाद रहेंगे तो अस्पताल वीरान होंगे। मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जितने भी इदारे हैं सरकारी और नीम सरकारी उन पर कंपल्शन रखे कि वो हर इदारा एक किसी स्पोर्ट्स को फाइनेंस करे, उसको पैटर्नाइज करे, आपके सारे मसाइल हल हो जाए। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके आने का भी जनाब। आज हमने आपकी मुलाकात तो कराई अपने मेहमानों से, अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और डाइट के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर हम बात करेंगे। आप देखते रहिए जागो लाहौर। वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब, ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं हम, और हमने पहले आपकी मुलाकात एक रेस्लर से कराई जो खाते पीते हैं अच्छा खासा, उनकी डाइट बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये जो डाइट वाला मामला हम आपको रोज तलकीन करते हैं, अच्छी खाना खाएं, ये खाएं, ये खाएं, लेकिन कभी कभी आप जरूरत से ज्यादा भी खा लेते हैं, ये जो ओवर ईटिंग की हैबिट है इसके कुछ नुकसान भी हो जाते हैं, और इस पर आज हम डिटेल बात करेंगे अपनी बहुत ही जबरदस्त न्यूट्रिशनिस्ट जवेरिया महमूद ने ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो जवेरिया, कैसी हैं आप? I'm fine, alhamdulillah, and congratulations on the amazing occasion of getting married. thank you very much, Javeria. अच्छा Javeria, मैं जानना चाहूँगी, हम हमेशा focus करते हैं अच्छा खाना खाएं, healthy खाना खाएं, कभी कभी लोग बहुत ज्यादा भी खा लेते हैं। जी बिल्कुल, अक्सर औकात पे occasions पे भी और naturally भी। और आप ये देखें कि रिसर्च में आया है कि तकरीबन 5 में से 1 इंसान की डेथ हो जाती है ओवर ईटिंग से, और मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान में, क्योंकि आप अक्सर औकात जब लोग बुफेज और डिनर्स की तरफ जाते हैं तो पूरा दिन स्टार्वेशन पे रहते हैं, यानी भूखे रहते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि एक मील, क्योंकि हमने पैसे पूरे दिए हुए हैं तो हमने हर जरा पैसे पूरे करके निकले और उससे उस वजह से वो अपनी बॉडी में पॉइजन ले रहे होते हैं, क्योंकि आप जहाँ पे आप ओवर ईटिंग करते हैं वहाँ पे आपकी बॉडी में ओवर नॉरिश हो जाते हैं, ओवर कैलोरिक हो जाते हैं, और ओवर कैलोरिक होना आपकी आपके स्टमक पे बोझ ले आता है, इवन कि आप एक से ज़्यादा, अगर दो चीज़ों से ज़्यादा फ्राइड चीज़ें ले रहे हैं तो वो भी आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, और ऑन द अदर साइड मिनरल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का लैक होना, यानी आपकी बॉडी उसकी बॉडी में कमी होना या आपकी डाइट में उसकी जो कमी है वो भी आपको जो है न्यूट्रिशनल इम्बेलेंसेस की तरफ लेके जाती है। बिल्कुल। और उसके अलावा जब ओवर ईटिंग की बात की जाती है तो ओवर ईटिंग में ये भी आता है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्ट, शुगर और मीट का इनटेक एट द सेम टाइम, जब आप हाईली स्पाइसी फूड लेते हैं या फिर हाईली आप उसको सीजनड फूड लेते हैं तो वो आपके डायरेक्टली आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्टमक हिट करता है, फिर आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जब आपको कोई भी चीज़ प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाती
तो उसके बाद आपको इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, और क्योंकि आपको खाना उतना खाना चाहिए जितना आप इजीली कंज्यूम कर सकें, और खाना दो वक्त हो तो और भी बेहतर है। और अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो यू कैन गो थ्रू विद द लिक्विड डाइट्स एंड द सैलड्स ग्रीन्स के साथ। पर ये कि ओवर ईटिंग जो है पाकिस्तान में वो कुछ ऐसे भी हो जाता है कि अक्सर औकात लोग शादी ब्याह हो गए या फिर उसके अलावा कुछ ऐसे ओकेजनली अगर देख लें तो लोग खाने की तरफ उस तरह से जा रहे होते हैं जिस तरह से उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऑलवेज यू कैन गो विद द ईटिंग इन द कैलोरिक इनटेक, और सेकेंडली आपका जो न्यूट्रिएंट डेंस फूड है इसको आपने बेसलाइन रखना है क्योंकि बहुत जरूरी होता है। सही जी। अच्छा जवीरिया, समटाइम्स लोगों को मैंने अक्सर ये भी देखा है खाने बैठते हैं नाश्ता नहीं करते, लंच नहीं करते, डिनर में बहुत ज्यादा खा लेते हैं, उसके बाद सो जाते हैं फौरन। उसके बाद अगर शादी पे गए हैं किसी इवेंट पे, जैसे हम बफे की बात कर रहे थे कि एक बार पैसे आपने दिए तो हलाल करके निकलना है, हम ये इस माइंडसेट के साथ जाते हैं, लेकिन वही बात कि इतना ज्यादा इंटेक हो जाता है और फिर हर तरह का फूड आप एक वक्त में ले रहे हैं। बिल्कुल। और आप ये देखें कि एक तो कहते हैं ना कि बहुत कार्बोनेटेड बेवरेजेस या फिर उसके अलावा बहुत ज़्यादा मतलब हाईली स्पाइसी फूड्स, हाईली सीजन फूड्स या फिर जो डीपली बेक्ड होते हैं या फिर डीपली जो यू कैन हाँ फ्राइड होते हैं, तो आप जब जितने ऐसे फूड्स कंज्यूम करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो स्टमक है उससे अपसेट होता है। सो आप ये देखें कि क्योंकि हमारी बॉडी में तमाम जो मीट ऑर्गन्स हैं लाइक टू से दैट ब्रेन लिवर किडनी स्टमक एंड आईज हैं या हमारी सेंसेज हैं, हमारे तमाम हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो फूड इज़ लाइक अ एनर्जी, फूड इज़ लाइक अ फ्यूल। तो फूड एज अ फ्यूल जब हम लेते हैं तो हमें चाहिए कि हम थोड़ा सा इंटेलिजेंटली लें। स्पेसिफिकली वो लोग जो कि अक्सर औकात ईटिंग आउट के कंसेप्ट में बहुत सी चीज़ें मंगवा लेते हैं और दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ आइटम्स बहुत गर्म भी और बहुत ठंडा भी एट द टाइम कंज्यूम कर लेते हैं, इसमें एक बात कहना चाहूंगी जैसे कहते हैं भूख रख के खाना खाएं। हाँ, ये तो सुन्नत भी है। सुन्नत भी है। और आप ये देखिए कि भूख रखने का मतलब ये है कि आपने 1/4 पोर्शन लेना है और आपने 1/3 पोर्शन लेफ्ट मतलब छोड़ देना है, आपने नेक्स्ट टाइम के लिए रखना है, क्योंकि उससे क्या होगा आपका इजीली डाइजेशन भी होगी, आपका मेटाबॉलिज्म भी सेटल डाउन होगा। दूसरा क्योंकि अब अर्मिला एकदम से इट्स लाइक अ वेरी हॉट एंड समर्स आर हियर, और गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है पानी का इस्तेमाल रखें, इवन कि आपने अगर 3-4 अगर उसमें एक आपकी मतलब पल्सेस या दाल हो गई, एक आपका मीट ग्रुप हो गया, फिर आपका वेजिटेबल ग्रुप हो गया, तो ट्राई कोशिश करें कि पर मील आप 4 ग्लासेस ऑफ वाटर कंज्यूम करें, ताकि वो आपकी डाइजेशन में भी वाटर हेल्प आउट, पानी जो है आपको हेल्प आउट करता है, ऑन द अदर साइड आपका एक फुली बैलेंस्ड मील हो जाता है जिसमें आपको मिनरल्स भी जा रहे हैं, पोटेशियम मैग्नीशियम और हर चीज आप जो है इनटेक कर रहे हैं, इनटेक कर सकते हैं। अच्छा जवेरिया, अभी आपने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की बात की, हमारे यहाँ ये भी रुझान है कि हम हेवी पाए चने इस तरह की चीजें खा के उसके बाद हमें थका के कोल्ड ड्रिंक पीते हैं जी, और उसके बाद फिर हम सोचते हैं कि हमारा खाना हजम हो गया, लेकिन वो हजम नहीं होता, कुछ और ही होता है। असल में पाकिस्तान में 2 कैटेगरीज हैं, सोशियो इकोनॉमिकली अभी और साइकोलॉजिकली भी, क्योंकि ईटिंग हैबिट्स और डेवलपमेंट फैक्टर्स इसमें कुछ इस तरह से हैं कि एक वो लोग हैं जो कि सिर्फ मतलब कहना उस तरह से तो नहीं चाहिए पर कुलचे नान चने और वो क्या कहते हैं पाए और उन पर उनका ब्रेकफास्ट मील जो कि बहुत हेल्दी होना चाहिए जिसमें एक फ्रूट होना चाहिए और कुछ फाइबरस फ्रूट होने चाहिए, गंदम या जौ का दलिया भी वो ले सकते हैं, फिर वो उसके अलावा कुलचे नान चनों पर होते हैं और वो अक्सर औकात जैसे आप बता रही पाए और इस तरह इस तरह की फूड्स पे होते हैं। नंबर वन ये है कि जो ईटिंग आउट का कंसेप्ट है आप उसमें एक चीज़ जहन में रखें कि वो जिस किस्म का ऑयल या घी यूज़ कर रहे हैं आपको नहीं पता, अगर वो आपके अंदर जाके डिपॉजिट हो जाता है तो विद इन 2 मंथ्स यू आर इन द वेरी इस्कीमिक कार्डियक डिजीज़, यानी आपको हार्ट का मसला हो जाता है। ऑन द अदर साइड कई लोग वो भी हैं जो ऑन द अदर साइड स्मोकिंग कर रहे होते हैं, साथ में लस्सी के ग्लास पी रहे होते हैं और साथ में नानचने भी कंज्यूम करते हैं, और उनको भी आपको पता है सडन हार्ट अटैक होता है। आई हैव सीन सो मेनी केसेज ऑफ एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी, और अक्सर औकात जब उनकी डाइटरी हिस्ट्री पूछी जाती है तो उसमें वो यही अक्सर बताते हैं कि हमें इतने साल हो गए और हम यही सेम रूटीन से यही कंज्यूम कर रहे हैं। आइदर कि आपको पता है कि एक वाइट फ्लावर है, मैदा है, और जो वाइट फ्लावर है या फिर वो जो वाइट राइस है या कोई भी ऐसी वाइट चीज़ है, इट्स नॉट टू गुड फॉर यू, क्योंकि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, आपको प्री डायबिटिक भी कर सकती है, मतलब बीमारी मुझे लगता है एकदम से नहीं आती, आप उसको खुद आप होस्ट करते हो। आप जब भी ओवर ईटिंग की तरफ जाते हैं या फिर आप जब भी एक्सेसिव और अनवांटेड कैलोरीज, अनवांटेड का मतलब है अर्मिला के आपने एक चीज़ नहीं कंज्यूम करनी और आपके पास इवन अवेलेबिलिटी नहीं है, एक्सेसिबिलिटी में वही है, पर आप ये कर सकते हैं, उसको माइन्यूट कर सकते हैं अगर आपको पता है कि यार इट्स नॉट फाइन, क्योंकि अक्सर औकात तो मैंने देखा ओवर ईटिंग तो लोग कर लेते हैं फिर उस पर मेडिसिन, फिर उसके बाद जो आपको फिजिकल हार्म्स आते हैं
और 15-20 दिन वो किसी सीरियस डिजीज और प्रॉब्लम में चले जाते हैं, इसको सेटल डाउन कर रहे होते हैं कि इसको कैसे सेटल डाउन करना है, कैसे लेके चलना है। जी अच्छा, ये जो आपकी ओबेसिटी है, कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, ये भी मेजर रीजंस हैं, वन ऑफ द मेजर रीजंस कि हम ओवर ईटिंग बहुत ज्यादा करते हैं। जी बिल्कुल। अब स्पेसिफिकली लाहौर की बात करें या हम अपने, तो हमें खाने पीने, जब भी आपको कोई आउटिंग, नो ऑफेंस मैं अपने देखने वाले से, कि जब भी हमें कुछ एंटरटेनमेंट या कुछ एंजॉयमेंट चाहिए, चलो खाना खाने चलते हैं। हाँ, मतलब हमारा यही एक बिल्कुल मतलब फूड इज लाइक फॉर प्लेयर एंड एंजॉयमेंट, और आप सोशलाइजेशन के लिए भी फूड ही है, आप कहीं जा रहे खाने पे चलते हैं, कॉफी पे चलते हैं, कॉफी के साथ डिजर्ट मंगा लेते हैं, मतलब यही हमारी। पर ये है कि मुझे लगता है कि जो इसको बेसिकली अलमिला कम्युनिटी न्यूट्रिशन कहा जाता है, कम्युनिटी न्यूट्रिशनल गोल्स हैं कि हम लोग ठीक है, वी आर गोइंग फॉर द ईटिंग आउट, बट थिंग्स आर लाइक दिस कि आप एक दूसरे को तिलकीन करें कि गो विद द वेजिटेबल्स एंड द पल्सेस, गो विद द फ्रेश जूसेस। वो तो हमारे घर में जब बन जाए हम फिर बाहर से ऑर्डर करते हैं कि सब्जी और ये। तो आपने अर्मिला 90% ठीक कहा, और मैं यहाँ पे आई नो मैनी मतलब बच्चे जो छोटे स्पेशली स्कूल और कॉलेज गोइंग है, क्योंकि घर पे अगर दाल सब्जी बनी होती है तो वो अक्सर औकात मैंने देखा है कि इस तरह ये वाली प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी वजह से आप ये देखें कि इंस्टेंटली आई एम वेरी शॉक्ड नाउडेज कि बड़ी जल्दी मतलब अर्ली एज में लोगों को कैंसर हो रहा है, 27 years, 32 years, बिकॉज नंबर वन आपका जो अनवांटेड मीट इनटेक, स्पेसिफिकली वाइट मीट का बहुत ज़्यादा, क्योंकि रेड मीट इज़ फाइन, और आप उसका जो प्रोसेस मतलब जिस तरह से आप प्रोसेस करेंगे घर के खाने का, तो मतलब ये तमाम बच्चों को और माओं को, तो यहाँ पे मेरा मैसेज है कि उनको तो ये पता होगा कि घर के खाने में तो आप किस किस्म का ऑयल यूज कर रहे हैं, फैट्स किस तरह के हैं, फिर आपकी हाइजेनिक कंडीशंस ठीक हैं, आपको कोई फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस तो नहीं है, आपको कोई फूड एलर्जी या कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स तो नहीं। पर बाहर का खाना तकरीबन, मैं ये नहीं कहती कि कोई 50% बहुत अच्छा और 50% बुरा है, पर ये कि तकरीबन 60% उसमें कंटेमिनेशन के चांसेस होते हैं, क्योंकि जब किचन सॉर्ट ऑफ चीज़ों में इतना मतलब घर पे आपके हाइजेनिक मेजर्स बहुत बेहतर होते हैं। आज हमने डिसाइड किया कि हमने आप सबका इतना दिल खराब करने का, हम खुद भी ना खाए और आपको भी ना खाने दें बाहर का खाना, क्योंकि नॉर्मली जो आप कंटेमिनेशन की बात कर रहे हो या हाइजीन कंडीशंस की जो आप बात कर रही हैं, वही बात कि हमें घर के किचन में तो पता है क्या बन रहा है, लेकिन हम जब बाहर जाते हैं तो हमें नहीं पता कि वो किस तरह का ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह के हाथों से बना रहे हैं, किस तरह की चीजें उसमें इस्तेमाल हो रही हैं, जो आप वेजिटेबल्स हैं, कोई फ्रूट्स हैं, वो किस कंडीशन में है, मतलब देखिए कि नंबर वन फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, इन तमाम चीजों की स्टोरेज कंडीशंस, रेफ्रिजरेशन, क्योंकि आपके रेफ्रिजरेटर में सबसे ज्यादा कंटेमिनेशन हो रही है, फिर वो कवर्ड है कि नहीं, क्योंकि घरों में तो आपने देखा होगा हर चीज कवर्ड होती है, हर चीज को हमें पता होता है कि हमने इतने वक्त में इसको कंज्यूम कर लिया है, इधर के वो घर के बने हुए मतलब चाहे लगेज, शामी कबाब, कोई भी ऐसी चीज हो, हमें पता होता है कि हमने इस टाइम में बनाया, इस टाइम में हमने कंज्यूम कर लिया। पर ईटिंग आउट में आपको मीट आइटम का भी नहीं पता, स्पेसिफिकली मिन्स मीट का, क्योंकि आप मतलब मुझे लगता है कि मुझे आम लोगों को ये बताना चाहिए कि जब भी आप बाहर से खाना ऑर्डर करें तो आप हड्डी वाला गोश्त उनको कहें कि मुझे चाहिए, क्योंकि जो मिन्स मीट होता है, मिन्स मीट जाने की कीमा जो होता है, उसका ये नहीं पता होता कि कब का पड़ा हुआ था और आप इसको कब कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि गोश्त एक ऐसी चीज़ है, मतलब ये जो लाइफ स्टॉक है ये एक, और या गोश्त है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा माइक्रोबियल एक्टिविटी है, क्योंकि इसका जैसे ही 24 से 48 आवर्स इसका थॉइंग प्रोसेस है, आप उसको मतलब इसका टाइम आउट होता है, तो इसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, और इसमें सी फूड भी आता है, इसमें मटन बीफ व्हील भी आता है, और इसमें तमाम वो चीज़ें आती है, तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखना है। और दूसरा, जब भी मतलब ओवर ईटिंग में ये भी आ जाता है कि जो आपने भी डिस्कस किया था कि लोग फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मील नहीं लेते, और लास्ट मील में दे हैव और सो मेनी आइटम्स एट देयर टेबल। अच्छा, उसमें भी क्या होता है कि आप उसके बाद फिजिकल इनएक्टिविटी में, उसके बाद आपको पता है स्मोकिंग इज़ वेरी डिजास्ट्रस नाउडेज़, फिर आप स्मोक भी कर रहे हैं, आपने यू हैव वेरी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल टू, मतलब अनहेल्दी लाइफ स्टाइल में कि आप फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर रहे, आप बर्न आउट भी नहीं कर रहे, क्योंकि कैलोरीज का बेसिकली मकसद इस तरह से है कि व्हाट वी आर टेकिंग वी आर गोइंग टू बर्निंग इट, मतलब हमने जो कैलोरी लिया है उसका कैलोरी एक्सपेंडिचर भी करना है, किसी ना किसी तरह जरूर करना है, कुछ लोग फूड से करते हैं, कुछ लोग फिजिकल एक्टिविटी से करते हैं, पर क्योंकि अब गर्मियाँ आ चुकी हैं तो एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए ज़रूरी है कि अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और इवन आप अगर लंच स्किप भी कर रहे हैं, दो वक्त का खाना भी ले रहे हैं, तो थोड़ा सादा ग़िज़ा पे ग्रीन्स के साथ जाएं, फ्रूट्स के साथ जाएं, आफ्टरनून में जितना हो सके रॉ वेजिटेबल जूसेस और जिसे कहते हैं रॉ वेजिटेबल जूसेस और रॉ फ्रूट्स, जो है वो फ्रूट्स ले लें या जूसेस ले लें, वो ज़रूर किसी ना किसी फॉर्म में कंज्यूम करें, क्योंकि इससे ना वो सिर्फ अपने आप को हेल्दी रखेंगे बल्कि स्किन और आपके हेयर, नेल, आपकी बॉडी फ्रेश भी फील होगा,
और अच्छा फील, और जितना हो सके पुदीना, लेमन और उसके अलावा जो शक्कर होती है और इस तरह की चीजों का इस्तेमाल, क्योंकि अब तो गर्मियां भी आ रही हैं तो इस तरह की चीजें हमें बड़ी जरूरत है। अच्छा ज़वेरिया से जनाब हम बात तो करें, साथ साथ हम आपसे भी बात करना चाहेंगे। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ओवर ईटिंग या अपनी डाइट भी है, या कुछ भी आप डाइट के हवाले से, न्यूट्रिशन के हवाले से बात करना चाहते हैं तो हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कॉल मिलाएं, ज़वेरिया से बात करें, आपको इतनी अच्छी अच्छी टिप्स देंगे। अच्छा ज़वेरिया, अभी गर्मियां चूंकि आ रही है, कुछ फ्रेश चीजों का इस्तेमाल भी हमें बताएंगे किस तरह से करना चाहिए, क्योंकि गर्मी में आपको पता है कुछ ना खाने को दिल करता है ना पूरी अंदर जाने की। बेसिकली आप देखें कि फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीजें मेरी फेवरेट भी हूँ, मैं करती भी हूँ। मुझे पता है कि बहुत से यंगस्टर्स उसको लाइक नहीं करते स्ट्रांगली, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा ना वी आर गेटिंग सो फैंसी इन फूड टू, क्योंकि हमें हर चीज बड़ी वो मतलब चाहिए कि दे आर द प्रॉन्स एंड सुशी एंड दिस एंड दिस एंड थोड़ा वो कह लें चोंचलो वाले खाना। सो हमें, मुझे लगता है हमें अपने आप को थोड़ा सा ऑर्गेनिक करना चाहिए। जरूरी नहीं कि कोई 40 प्लस है तो ही वो या कद्दू या फिर टींडे या फिर भिंडी या कुछ कंज्यूम कर रहा है। आपको भी चाहिए कि आप उसको आफ्टरनून में उसके जूसेस लें, अगर आप सिंपल चपाती के साथ भी कंज्यूम करें। इवन वो घिया कद्दू का रायता बहुत अच्छा, उसका रायता और वो ठंडा इतना होता है आपके स्टमक के लिए, मतलब जिगर की गर्मी दूर करता है, आपके लिवर के लिए बहुत जबरदस्त है। और आप ये देखें कि ये वेजिटेबल्स जो है, मैंने अक्सर सुना है कि लोगों को क्वेश्चन होता है कि वेजिटेबल्स पॉल्यूटेड एरियाज में हैं और पोल्यूशन पॉल्यूटेड पानी में होती हैं, और वो हमें, हम कैसे उसको हेल्दी तरीके से ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। उसकी मेथोडोलॉजी भी है कि आप तकरीबन अगर 5 kg कोई भी आपके पास फ्रूट या वेजिटेबल आइटम है तो आप उसको थोड़े से 1 pinch ऑफ हाई या 1/2 teaspoon सॉल्ट एक नीम गर्म पानी में एक उसको बॉईल कर लें, ताकि उसकी स्किन में जितनी भी मतलब अगर कोई भी क्लोरोफॉर्म है, कोई भी किसी भी किस्म का आपको लगता है कि टॉक्सिंग है, तो वो रिमूव हो जाएंगे। एंड आफ्टर दैट यू कैन पील द स्किन एंड टेक द, मतलब जूसर में या फिर ब्लेंडर में यू कैन टेक द जूस। और उसके अलावा एप्पल बीटरूट कैरेट जूस बहुत ज़बरदस्त है, गर्मी में आपको अंदर से फ्रेश रखता है। क्योंकि एक तो हम अपनी स्किन की केयर इज टू इम्पॉर्टेंट, बट ये कि आपके जो अंदर से जो नॉरिशमेंट है, जो फ्रेशमेंट है, जो आपके न्यूट्रिशनल गोल्स हैं, दिस इज टू इम्पॉर्टेंट। अच्छा ज़वेरिया, बच्चों में भी हम समटाइम्स, बच्चा अगर खाना खा चुका है तो हम उसको कहते हैं कि नहीं बेटा और खाओ, मतलब उसको हम और इतना वो भी ज्यादा उसके मुंह से जो गिरा हुआ खाना होता है वो भी मदद से मुंह में डाल रही होती मतलब है। ये भी तो बात होती है, बच्चों में भी तो ओवर ईटिंग जी, बच्चों में ओवर ईटिंग होने से डायबिसिटी होती है, डायबिटीज प्लस ओबेसिटी। क्योंकि बच्चे जो छोटे इस टाइम, मतलब 7 से 9 साल या 9 से even 12 years के बच्चे हैं, तो अर्मिला मैंने, क्योंकि जब वो जंक फूड ज़्यादा लेते हैं तो इट कैन कॉज ओबेसिटी। और मैंने तो मतलब तकरीबन इस टाइम तकरीबन 11 मिलियन पीपल इन द यंग एज, यंग डेथ्स हो चुकी हैं जो कि डाइटरी रिलेटेड डेथ्स हैं, जिसमें डायबिसिटी है, डायबिटीज़ प्लस ओबेसिटी। क्योंकि जो बच्चा एक अपनी एज से उसका BMI यानी बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स नॉर्मल नहीं होता, और वो उस तरह से बर्नआउट नहीं कर पाता, क्योंकि आजकल आपको पता है बच्चों के पास गैजेट्स आ गए हैं, जो उनके आउटडोर एक्टिविटीज़ थी वो बहुत कम हो चुकी हैं, और हर बच्चा जो है वो गेम्स खेल रहे होते हैं, दे आर इन मतलब बिजी इन ऑल द थिंग्स। सो बच्चों को चाहिए, मतलब मदर्स को चाहिए कि वो बच्चों की खुराक पर तवज्जो दें और उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व करें, ताकि वो जो भी कंज्यूम करें तो उसको बर्नआउट कर लें। क्योंकि उनकी उनको जो उनका टाइम स्पेन होता है, जब हम इवन हम बात करें 1 से 20 साल तक की भी, तो वो जो कैलोरीज ले रहे होते हैं उनको बर्नआउट भी करनी होती है। ऑन द अदर साइड उनको कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, और उनको तमाम चीज़ें उनकी डाइट में होनी चाहिए, ये नहीं कि हम कोई चीज़ स्किप करते हैं। और यहाँ बताती चलूँ कि जंक फूड की ओवर कंजप्शन से, और जो ट्रेंड है एक, मतलब आजकल जो ट्रेंड चल रहा है कि हर दूसरा बच्चा जो है वो बड़ा हैवीली एक, मतलब बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़, जिस तरह की तमाम वो चीज़ें, और बिल्कुल हैवी सॉसेज में, और दे कैन गो थ्रू विद द, मतलब एट द टाइम आप 1 sauce के साथ ले लें, पर 2 to 3 sauces विद द चीज़, इट कैन मेक यू द, मतलब ओवर ईटिंग में भी आ जाता है। ऑन द अदर साइड आपकी ब्लड को और आपकी बॉडी को हैवीनेस करने के साथ पॉल्यूटेड भी करता है, क्योंकि उसका कोई, उसकी कोई फूड केमिस्ट्री मैच नहीं करती। क्योंकि आपको पता होगा जैसे हर फूड आइटम का एक केमिकल फार्मूलाज होते हैं, लिपिड्स, फैट्स, प्रोटीन्स के, तो इसी तरह जब कुछ चीज़ें मिक्सअप होती हैं और उनके जो आप देखें बायोकेमिकली तौर पे देखा जाए तो उसके कोई हेल्थ बेनिफिट्स नहीं है। ऑन द अदर साइड जैसे मैं बताती हूँ कि विटामिन सी की आयरन के साथ बॉडी में कंजप्शन है, या विटामिन डी की कैल्शियम के साथ बॉडी में कंजप्शन है, और आपकी बॉडी जब लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स में जाती है, यानी आपकी बॉडी को जब डेफिशिएंसी फील होने लगती है, तो आप जब हेल्दी चीज़ें लेते हैं तो वो आपकी डेफिशिएंसी इंस्टेंटली ओवरकम होती है। जो मेरे, मैं आपको इंटरप्ट करूँगी, कॉलर ले लेते हैं, नबीला है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम जी, मेरा सवाल इनसे ये है कि अगर बच्चे एक हफ्ते में जंक फूड लेते हैं तो क्या उसका भी वही इफेक्ट होता है, ओबेसिटी उससे भी हो सकती है या फिर डेली लेने से ही होती है? अच्छा ठीक हो गया, हफ्ते में एक बार अगर जंक फूड हो जाए जी ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग नबीला जी। नंबर वन, एक्सेसिव यूज ऑफ एवरीथिंग इज बैड फॉर द हेल्थ। दूसरी बात है वीकली ना दें या 15 दिन में एक बार दे दें। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा जब आप घर के फूड पे रखेंगे तो उसकी कॉग्निटिव मेंटल फिजिकल डेवलपमेंट्स अच्छी होंगी। और स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ जो कमर्शियल फूड्स हैं, कमर्शियल फूड्स मीन टू से दैट जिसमें प्रिजर्वेटिव्स एड्स हैं, कलरेंट्स हैं और जो पड़े रहे हैं और उनकी 6 महीने के बाद एक्सपायरी है, उस तरह से वो आपके बच्चे के लिए या आपके अपने लिए उस तरह से हेल्थ बेनिफिट्स नहीं आपको दे सकते जो आपकी अपनी घर की बनाई हुई चीज़ है, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स, कलरेंट्स और कॉन्टामिनेंट्स ऐड नहीं है जो आपकी बॉडी को किसी हेल्थ रिस्क में लेके जाते हैं। सो ये तमाम वो कुछ ऐसे माइन्यूट अमाउंट है जो कि आपके ब्रेन का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो डाउन करते हैं, तो इन चीज़ों से बचा जाता है। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा जवेरिया, कुछ डिटेल मैसेज आप हमारे देखने वालों को देना चाहें आज के टॉपिक के हवाले से, ओवर ईटिंग के हवाले से, कि किस तरह से ओवर ईटिंग को आपने अवॉइड करना है, मॉडरेट तरीके से आपने गजा खानी जी। यहाँ मैं बताती चलूँ कि आप कभी भी मतलब ओकेजनली जा रहे हैं आप डिफरेंट बुफेज लंच या किसी भी टाइम का आप इवन घर पे मील कंज्यूम कर रहे हैं तो आप भूख रख के खाना खाएं और अपना पोर्शन साइज ज़रूर सेटल डाउन कर लें। वेजिटेबल्स, पल्सेस, लेग्यूम्स, तमाम चीज़ों के 7 days अ वीक, तो इट्स लाइक अ 7 सॉर्ट ऑफ डिफरेंट फूड्स एंड वेजिटेबल्स एंड पल्सेस टू, जिसमें आपका मीट ग्रुप भी ज़रूर शामिल होना चाहिए। ब्रेकफास्ट पर ज़रूर तवज्जो दें, आप जितना मर्जी जल्दी में हो घर से प्रॉपरली ब्रेकफास्ट करके निकलें। फूड के टाइमिंग्स का ख्याल जरूर रखें, आप जितना भी इंटरवल्स का जी बिल्कुल, मतलब ब्रेकफास्ट का टाइम सुबह तकरीबन 7 से 10 बजे तक, दोपहर जो आपका लंच टाइम होना चाहिए वो बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है, दोपहर 12 से लेके आपका दोपहर 3 बजे तक, और रात का खाना जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है मील का 6 से 8 बजे तक। 8 बजे के बाद अगर आप खाना कंज्यूम करते हैं तो आप क्योंकि उस तरह से उसको बर्न आउट भी नहीं कर पाते और आपकी उस तरह से आप उसको ओवरली मतलब टोटली आपकी डाइजेशन भी प्रॉपर नहीं हो पाती, तो आपको रात के खाने का स्पेसिफिकली थोड़ा सा अर्ली जो शाम मतलब मगरिब टू ईशा का टाइम होता है उसमें आपको कंज्यूम कर लेना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ तो नॉर्मली मंचिंग के नाम पे हम पूरा दिन ही कुछ ना कुछ खाते रहते हैं बिल्कुल। और वो भी आपको पता है ओबेसिटी, इट कैन कॉज ओबेसिटी, और इसी वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबली अगर देखा जाए तो डाइट रिलेटेड डेथ्स हो रही है, मीन टू से दैट इस्कीमिक हार्ट डिजीज है या फिर एंजियोप्लास्टी है, कोलेस्ट्रोलिमिक इश्यूज है, गाउट है, यूरिक एसिड है, लॉट ऑफ डिजीज आर देयर, पर इसकी जो मेन कॉज है मोटापा, ओबेसिटी, के वो अकेले नहीं आता, साथ कई बीमारियों को लेके आता है। बहुत सारी बीमारियों की जड़ है जो आपके कार्डियक इश्यूज हैं या दीगर इश्यूज, कोलेस्ट्रोलिमिक इश्यूज हैं, आपकी बॉडी में लेथार्जी के बड़ा स्लो डाउन फील करते हैं, तो इट कैन मतलब और खाना ना खाने से भी तो आपकी एनर्जी डाउन बिल्कुल। और आप ये देखें कि अक्सर औकात कई मतलब लड़कियां भी और लोग भी और कई बार बेहोश ही हो जाते हैं एकदम से, लो शुगर डाउन एकदम से ड्रॉप डाउन हुई कि दे आर कीप देयर सेल्फ फ्रॉम स्किपिंग मील्स। मुझे ऐसे लगता है कि वेट इस तरह से नहीं लूज़ होता, अगर आपने वेट भी कंट्रोल करना कुछ भी है तो गो विद द हेल्दी फ्रेश फ्रूट्स, जूसेस और चीज़ें। इसमें एक बेस्ट आपको बताती चलूँ तो कॉर्न्स, ऑलिव्स, बीन्स, आइसबर्ग लेटस, स्मॉल पोर्शन ऑफ मीट, इस तमाम ग्रुप का आप एक हेल्दी सैलड बनाएं और इसमें आप तकरीबन 1 बाउल आप इसमें मटर जो होते हैं और 1 बाउल आप इसमें कॉर्न्स, मकई ऐड करें, इसमें ऑलिव ऑयल ऐड करें, उसका सैलेड बना के कंज्यूम करें, अच्छी सी सैलेड खाएं। थैंक यू वेरी मच जवेरिया, आपकी जबरदस्त टिप्स देने के लिए। जनाब, खाना खाना बहुत जरूरी है लेकिन ओवर ईटिंग से परहेज करें। आज के टॉपिक का फोकस यही था कि नो डाउट खाने पीने के शौकीन बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन थोड़ा कंट्रोल करके खाएंगे तो लगेगा भी और थोड़ा हेल्दी भी लगेगा। चलिए जनाब, आपसे हम इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक के लिए हमारा फेसबुक पेज है। कल तक के लिए जागो लाहौर की तरफ से खुदा हाफिज़।